Hey everyone, welcome to Biology at Ease. जब भी मैं अपने चैनल के वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरे माइंड में एक स्क्रिप्ट हमेशा रहती है कि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ उसमें मुझे इन सब पॉइंट्स को कवर करना है ताकि कम से कम टाइम में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वो इन्फॉर्मेशन मैं टाइम से दे सकूँ। लेकिन इस वीडियो के लिए मुझे लगा कि मुझे किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करूँगी कि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैंने अभी तक लाइफ को या एग्ज़ाम की स्ट्रेस लेवल इन सब एक्सपीरियंसेस को समझा है उसके बेसिस पर आप लोगों को टिप्स सकूं कि आपका जो नीट एग्जाम का फेज है इसके साथ आप कैसे डील करें ताकि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन डे के दिन एकदम स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम दे सकें। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। मुझे पता है आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो साल दो साल से प्रिपेयर कर रहे होंगे नीट के एग्जाम के लिए, काफी ऐसे होंगे जिनका फोकस अभी तक बोर्ड एग्जाम्स पे रहा होगा और उन्होंने ये सोचा होगा कि लास्ट के टू मंथ्स में मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूंगी। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो विदाउट प्रिपरेशन एकदम टेंशन फ्री होकर नीट का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना है, चाहे आप उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हैं जो साल दो साल से नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स में से हैं जो लास्ट के टू मंथ्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एकदम स्ट्रेस फ्री होकर नीट देने वाले हैं। आप सभी में एक चीज कॉमन है कि आप 5 मई 2019 को किसी एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर नीट का एग्जाम दे रहे होंगे। आप सब में ये चीज कॉमन तो है, लेकिन डिफरेंस हर स्टूडेंट में क्या आ जाएगा, कुछ स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये पेपर देंगे, चाहे उन्होंने अच्छी तैयारी करी हुई हो चाहे नहीं करी हो, उन्हें ये पता होगा कि आज का पेपर देने जब मैं बैठूंगा तो मुझे फुली फोकस्ड होकर आज का पेपर देना है, जितना आता है उतने कॉन्फिडेंस के साथ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एंड आई एम श्योर जो मैं अटेम्प्ट करूंगा वो करेक्ट होंगे, ये कॉन्फिडेंस लेकर वो एग्जाम दे रहे होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होंगे, उन्हें सब कुछ आता होगा बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो कई क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग मार्क करके आ जाएंगे और घर आकर फिर गिल्ट में रहेंगे, इस रिग्रेट में रहेंगे कि उनका पेपर गलत चले गया। तो आप लोग ये गलती ना करें, इसलिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। आई होप मेरी कुछ बातों से आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और इन 10 डेज की प्रिपरेशन भी आप अच्छे से करेंगे ताकि 5 मई को आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे सकें। सबसे पहले तो बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आप लोगों को यू हैव टू रेट आउट ऑफ 10, ठीक है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, व्हाट डू यू थिंक इस फेज में आप कितने कॉन्फिडेंट है अपने नीट एग्जाम को लेकर, वेदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम और नॉट, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर फॉर दिस एग्जाम, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप इस एग्जाम के लिए, रेट आउट ऑफ 10। अगर आपकी रेटिंग 7 से ऊपर जाती है, अगर आपको लगता है कि आप 7 से ऊपर कॉन्फिडेंट हैं आउट ऑफ 10, इफ़ यू गिव 7 पॉइंट्स टू योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो मैं कह सकती हूँ कि आप प्रिपेयर्ड हैं 5 मई को एग्जाम देने के लिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7 से कम जा रहा है तो सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले आपको ज़रूरत है खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेपर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड और कोई भी चीज़ बहुत कम होना भी गलत है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी पेपर गलत होने के चांसेस हैं, अगर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो भी पेपर गलत होने के चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक लेवल मेंटेन करके रखना है, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं 10 डेज के प्रिपरेशन में भी अपना बेस्ट दूंगा और 5 मई को चाहे मुझसे जितना हो पाए मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा और वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा जिनके लिए मैं श्योर हूं कि हाँ ये आंसर सही है। तो आप लोग इन लास्ट 10 डेज में भले ही मेरे या किसी भी चैनल के लास्ट 10 डेज 7 डेज प्रिपरेशन वीडियोस देखें या ना देखें, लेकिन आप लोगों में इतना विश्वास होना चाहिए कि 10 डेज में मुझे ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि मैं एग्जाम के दिन जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसको पूरे अच्छे से अटेम्प्ट करके आऊँगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ है डर। काफ़ी स्टूडेंट्स इस डर की वजह से ही पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं कि अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो जाएंगी, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर होता है, मुझे एक कॉमेंट आया था कि मैम जिस टाइम बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है उसी टाइम मेरे घर में शादी है और मेरे सारे रिलेटिव्स मुझे मिलकर पेलने वाले हैं। तो मुझे पता है ये सबके घर में होता है, मेरे घर में भी होता है, जब भी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है तो दूर दूर का रिलेटिव जिनकी कभी कोई खबर ही नहीं होती थी वो तक आके कॉल करते हैं कि भाई रिजल्ट कैसा रहा। तो वही हाल नीट में भी होने वाला है, आई एम श्योर जब नीट का रिजल्ट आएगा तो आप लोगों के घर भी बतेरे कॉल्स आएंगे कि रिजल्ट कैसा रहा बेटे का या बेटी का। आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी गई,
रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा आएगा अगर आपने हार्डवर्क किया है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा. इफ़ इन केस आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है, इस साल आपका नीट क्वालिफाई नहीं हो पाता है, आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है MBBS की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप इस MBBS को निकाल सकते हैं, आप इस सीट के लायक हैं, तो आप अगले साल दोबारा अटैम्प्ट डालेंगे, है ना. नीट का एग्ज़ाम अगर नीट 2019 हो रहा है तो 2020 भी होगा, डरने की कहाँ बात है. अगले साल आप भी होंगे, ये एग्ज़ाम भी होगा, यही NCERT बुक्स होंगी, यही सिलेबस होगा, तो डरना किस बात का. मैं बस ये चाहती हूँ कि 10 डेज में आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करें, आपसे जितना हो पाता है आप हार्डवर्क करें अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं है कि आपका सैचुरेशन पॉइंट पहुँच गया है फिर भी आप पढ़े जा रहे हैं. आप पढ़िए, आपसे जितना पढ़ा जाता है पढ़िए. मैंने अपनी हर वीडियोस में ये मेंशन किया है, जब भी मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस देती हूँ पढ़ने से रिलेटेड, तो मैं यही कहती हूँ कि आप खुद के लिए पढ़िए, आप खुद के लिए काम कीजिए, खुद के लिए हार्डवर्क कीजिए, किसी और को प्रूफ करने के लिए कोई काम मत कीजिए. क्योंकि जब आप किसी और की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए कोई काम करेंगे ना, तो आप फुल एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे. आप ये सोच के पढ़िए कि मुझे MBBS डॉक्टर बनना है, मुझे खुद को आईने में वो MBBS का कोट पहनते हुए, स्टेथोस्कोप लगाए हुए देखना है. अगर आप ये ड्रीम लेकर पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आप एग्जाम अच्छे से क्लियर करेंगे. किसी और को प्रूफ करने के लिए प्लीज कोई भी स्टेप कभी मत लीजिएगा, चाहे वो एग्जाम हो या फिर लाइफ का कोई भी फेस हो. अभी बात नीट की हो रही है तो मैं इतना ही कहूंगी कि इस फेज में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अपना बेस्ट देना है, खुद पे भरोसा रखना है. अगर आपकी प्रिपरेशन 50% ही हुई है तो आप एग्जाम में 50% ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइए. सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो नीट 2020 कहाँ भागे जा रहा है, यही है, कहीं नहीं जा रहा है. अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है तभी भी मैं ये एडवाइस दूंगी कि आपका अगर एडमिशन होता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होता है तो ड्रीम्स बदलने में देर कितनी लगती है, क्या पता आपके लिए और कोई अच्छा करियर हो. इंसान को क्या करना चाहिए, हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहनी चाहिए. जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि नीट का रिजल्ट आने तक बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि ग्रेजुएशन कराते हैं, वो अपने एडमिशन क्लोज कर लेते हैं. तो आप बैकअप प्लान के लिए क्या कीजिए, उन कॉलेजेस के फॉर्म भी भर दीजिए कि इफ इन केस आपका एडमिशन नीट में नहीं होता है, नीट के थ्रू नहीं होता है, तो आप उन कॉलेजेस में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनका नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो डिप्रेस हो जाएंगे. मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू ही पता चल रहा है कि आप कितने स्ट्रेस में हैं. काफी बच्चे ये कहते हैं कि मैम मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, मैं डिप्रेशन में आ गया हूं, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ. मेरा ये मानना है कि एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी है, मैं सिर्फ बातें नहीं फेंक रही हूं, आप इतना ध्यान रखिएगा. एक महीने में मेरे भी काफी एंट्रेंसेस हैं, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स, इसलिए ही मैं वीडियोस के बीच बीच में बहुत गैप लेती रहती थी पहले. नीट में ही ऐसा हो रहा है कि नीट की वीडियोस मैं रेगुलरली डाल रही हूँ, अदरवाइज आई यूज टू टेक ऑलमोस्ट 1 week का गैप हर वीडियोस के बीच में, क्योंकि मैं भी काफी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. और जिस स्ट्रेस लेवल से आप गुजर रहे हैं, ट्रस्ट मी अभी मैं भी उतनी ही टेंस्ड हूँ, क्योंकि अगले 2-3 हफ्ते में मेरे एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं जिनके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ. आप खुद सोचिए, आपके पास अभी टाइम है, आपका नीट क्लियर नहीं हुआ आप अगले साल भी दे सकते हैं, उसके अगले साल भी दे सकते हैं. लेकिन मैं जिन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे पास यही साल है खुद को प्रूफ करने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, मुझे खुद को दिखाने के लिए कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकती हूँ. कई बार पढ़ते हुए मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चंस के आंसर्स भूलते चले जा रही हूँ. जो चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए हैं क्या मुझे वो रिवाइज करने चाहिए, कहीं मैं उन्हें भूल तो नहीं गई हूँ. तो जो सिचुएशन अभी आपकी है वही मेरी भी है. ये वीडियोस बनाते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि अभी तक मैं कितने स्ट्रेस में थी, मैं भी एग्जाम्स को लेकर कितनी टेंशन ले रही थी. लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि जितना टाइम भी मेरे पास है मैं अपना बेस्ट दूंगी, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कुछ और ऑल्टरनेट होगा. कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने के रास्ते आपको मिल ही जाएंगे अगर आप उस चीज के फुल्ली डेडिकेटेड हैं. तो ज़्यादा फिलोसफिकल बातें नहीं करूंगी, बस इतना कहूंगी कि इन 10 days में स्ट्रेस फ्री होकर पढ़िए. दिमाग में ये रखिए कि मैंने अपना 100% एफर्ट डाला है, चाहे मैं वो 100% काफ़ी टाइम पहले से देता आ रहा था या फिर मैंने वो 10 days के प्रिपरेशन में डाला, मैंने अपना 100% दिया है. अब रिजल्ट जैसा भी होगा मेरी इस तैयारी का नतीजा होगा. रिजल्ट अच्छा हुआ तो मैं इसी साल से डॉक्टर हूँ, और नहीं हुआ तो नीट कहाँ भाग रहा है, अगले साल दोबारा तैयारी करूँगा और नीट 2020 के लिए अच्छे
अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। हारना कभी भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज़ चाहिए, आपको वो ड्रीम चाहिए, तो गो फॉर इट, वर्क फॉर इट। आज नहीं तो कल आपको वो मिलेगा। लेकिन अगर आप उस ड्रीम को, आपको लगता है आप इतने डेडिकेटेड नहीं है, तो जस्ट चेंज योर पाथ। अगर आपको लगता है कि MBBS का एग्जाम आप नहीं क्लियर कर सकते, तो आप ड्रॉप करने की भी गलती मत कीजिएगा। जस्ट चेंज योर पाथ, कुछ और चीज कर लीजिए, कहीं और इंटरेस्ट जनरेट करना शुरू कीजिए। अगर आप उस चीज के लिए डेडिकेटेड हैं, तो आप अपना 100% देंगे, चाहे 10 डेज में देना हो या 7 डेज में देना हो, रिजल्ट की परवाह किए बिना। अगर आप डेडिकेटेड नहीं है, तो चाहे आप कितने साल के लिए ड्रॉप कर दें, आप कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो इस फेज में, इस फेज के लिए ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें हटा देते हैं। बस इतना कहूंगी कि इन 10 दिनों में फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर अपना बेस्ट दीजिएगा। 5 मई 2019 को जो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं, उन्हें अटेम्प्ट कीजिएगा। बिंदास रहिए, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर पेपर दीजिए। रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। इस प्रिपरेशन फेज में बस इतना ध्यान दीजिए कि 5 मई के बाद जब आप इन दिनों को याद करेंगे, तो आपको कोई रिग्रेट ना रह जाए कि काश मैंने ये पॉइंट भी पढ़ लिया होता। आप जितना कवर कर सकते हैं सिलेबस कवर कीजिएगा। आई एम श्योर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2019। आई होप 5 मई के बाद काफी बच्चे जो वीडियोस देख रहे हैं, डॉक्टर बनने का पहला स्टेप चढ़ चुके होंगे, और जिन बच्चों का इस साल वो स्टेप चढ़ने का सपना पूरा नहीं हो पाया, वो अगले साल दोबारा ट्राई करेंगे और मेरी वीडियो पे कमेंट करेंगे कि मैम फाइनली हमने नीट क्वालिफाई कर लिया है। ऑल द वेरी बेस्ट। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर हार्डवर्क। हारना नहीं है, हार को हराना है। और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डर के आगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।